नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के देवलता क्षेत्र के पुखरौड़ा में आफर से दुबाधर न्याल तक सड़क निर्माण को लेकर अब क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम की चेतावनी दी है। क्षेत्रवासियों ने शीघ्र सड़क निर्माण कार्य शुरू होने पर आगामी 20 दिसंबर को पिथौरागढ़ थल मार्ग में सुवालिक के निकट चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। क्षेत्रवासियों ने सड़क निर्माण व आंदोलन से संबंधित एक पत्र भी अपर जिलाधिकारी को सौंपा है। पत्र में रघुवर चंद, मोहन चंद, भरत चंद, राजेंद्र चंद, इंदर चंद, भगवान चंद, प्रकाश चंद, पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार सहित अन्य के हस्ताक्षर शामिल हैं। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले विजय दिवस को आज जनपद भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। शहीद स्मारक में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी व एडीएम FR चौहान व DTHAT विधायक बिशन सिंह चिपाल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों अधिकारियों द्वारा शहीदों को पुष्प चक्र व श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के दौरान वीर नारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इससे पूर्व स्कूली छात्राओं द्वारा समूहगान की प्रस्तुति दी गई। विजय दिवस पर शिक्षा विभाग व नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान अव्वल स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, पूर्व सैनिक आदि कर्मचारी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के कासनी गेट खेल मैदान में भारतीय सेना के पंचसूल ब्रिगेड द्वारा भूतपूर्व सैनिक रैली तथा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पंचसूल ब्रिगेड कमांडर सौरभ सिंधे द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। रैली के दौरान लगाए गए स्टालों के माध्यम से विभिन्न आवश्यक जानकारियां देने के साथ ही जागरूक किया गया। रैली के दौरान भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं व वीर नारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान चिकित्सा शिविर में चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। रैली के आयोजन को लेकर पूर्व सैनिकों द्वारा पंचसूल ब्रिगेड द्वारा दी गई सुविधाओं पर खुशी व्यक्त की गई। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी के निर्देशानुसार आज नगर पालिका की टीम द्वारा रई व बाहटकोट वार्ड में खुले में सीवर के पानी की निकासी करने वाले 7 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। संबंधित लोगों को 1 सप्ताह के भीतर उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। नगर पालिका की टीम में राजस्व अधीक्षक निशांत अंसारी, सफाई निरीक्षक विकास कुमार, आशीष पुनेटा, रोहित दास कुमार, रिंकू आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आज भाजपा जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से जिला कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। जिला कार्यकारिणी में राकेश देवलाल और दीपक कार्की को महामंत्री बनाया गया। इसके साथ ही मीना बिष्ट, गहराज पांडे, इंद्र लुंठी, महेंद्र बुदियाल, विमल रावल, उमेश मेहर को उपाध्यक्ष, नीरू कार्की, पुष्पा देवी, दिनेश धानिक, कमल पुनेड़ा, योगेश चंद और सौरभ पंत को जिला मंत्री, पूरन खोलिया को कोषाध्यक्ष, धर्मानंद भट्ट को कार्यालय मंत्री और रघुवीर सिंह को जिला मीडिया प्रभारी का दायित्व सौंपा गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, सहकारी बैंक अध्यक्ष मनोज सामंत, बीरेन्द्र लाल ठुलगरिया सहित भाजपा नेताओं ने बधाई दी है। चंपावत जनपद के बनबसा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुदमी में बीती रात प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर फायर कर्मियों के समय से काबू पा लेने से आग फैलने से बच गई, नहीं तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना थी। चंपावत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बनबसा के ग्राम गुदमी में स्थित पाटनी प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग की सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने FSO गिरीश सिंह की अगुवाई में काफ़ी मशक्कतों के बाद समय से लगातार फैल रही आग पर काबू पा लिया। आग की चपेट में आने से कंपनी की मशीन, कलर बेंच आदि खाक हो गई। टीम द्वारा समय से आग पर काबू पा लेने से अन्य सामग्री व आग फैलने से बच गई, नहीं तो अत्यधिक नुकसान होने की संभावना थी। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज यूट्यूब चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुने। धन्यवाद।